जो एरिया है वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि एवर मीन से लेवल 1.5 किलोमीटर एक्सटेंड कर रहा है, और इसके प्रभाव में 13 और 14 दो दिन में झारखंड में कुछ कुछ इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, गर्जन और वज्रपात के साथ में। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वी झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने होने के प्रभाव में 14 मई को झारखंड के कुछ कुछ हिस्सों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश, गर्जन और वज्रपात, साथ साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिलेगी। वहीं आने वाले 15 मई से आसमान साफ और मौसम शुष्क होगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग संथाल में अल्प वर्षा की संभावना है। झारखंड के शेष इलाकों में मौसम शुष्क होगा। 15 मई को आंशिक बादल की संभावना, वहीं 16 से लेकर 18 मई तक 3 दिनों तक मौसम मुख्य शुष्क ही देखने को मिलेगा। वहीं अभिषेक आनंद मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि तापमान की बात की जाए तो 14 मई से 19 मई तक अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस कारण से विगत एक सप्ताह में जो गर्मी में कमी हुई है उसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तापमान की तो कल से जो तापमान है उसमें आने वाले 3-4 दिनों में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं उसमें आपको थोड़ा सा विराम देखने को मिलेगा और जो पारा है, जो तापमान है, वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके कारण से फिर से आपको जो अभी लास्ट एक वीक से जो गर्मी में काफ़ी कमी आई हुई है उसमें एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुल मिला के ये है कि थोड़े बहुत वेदर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी 13-14 में, और उसके बाद से वेदर ड्राई है। और 13-14 में भी खासकर बात करें तो जो आपका संथाल का एरिया है, साथ में जो दक्षिणी भाग है रांची कुटी, इन इलाकों में आपको हल्की बारिश, गर्जन उत्पात के साथ में हवा के झोंकों 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना। शेष इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और थोड़ा सा आंशिक बादल आपको देखने को मिल सकते हैं, और 15 तारीख से मौसम बिल्कुल शुष्क है और वो जो स्थिति है वो 19 तारीख तक में भी आपको देखने को मिलेगी, जबकि 19 में थोड़ी बहुत हल्की सी उत्तर पूर्वी संथाल भाग में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। धन्यवाद। पूर्वी झारखंड है और उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि एवर मीन से लेवल 1.5 किलोमीटर एक्सटेंड कर रहा है, और इसके प्रभाव में 13 और 14 दो दिन में झारखंड में कुछ कुछ इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, गर्जन और वज्रपात के साथ में हवा की गति गर्जन वज्रपात के समय 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से देखने को मिलेगी, और 15 से जो मौसम है 15 से लेकर 18 तक मौसम शुष्क रहेगा और 19 में फिर से हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, चलने की संभावना है। 14 तारीख में सिर्फ संथाल का एरिया है जो पूर्वी भाग है झारखंड का, उत्तर पूर्वी भाग, वहीं पे थोड़ी बहुत हल्की बारिश की संभावना है और शेष इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, और 15 से थोड़ा सा आंशिक बादल है, 16-17-18 में मौसम आपको मुख्यतः ड्राई शुष्क देखने को मिलेगा। बात करते हैं तापमान की।